हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मंडलायुक्त ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। आयोग कार्यालय के कर्मचारियों को दिलाया राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ। लोगों से की अपील, कहा सरदार पटेल के रास्ते पर चलकर देश हित में दे अपना योगदान। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा बेतियाहाता स्थित हनुमान मंदिर पर मनाया गया वाल्मीकि जयंती। आयोजित हुआ रामायण का पाठ। मंडलायुक्त ने कहा वाल्मीकि रामायण में वर्णित मानव मूल्यों एवं सामाजिक मूल्यों का समाज में होता है सकारात्मक प्रभाव। गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। कुलपति ने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दिलाया राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर विहार कॉलोनी में महिला गैंगस्टर के घर में चल रही जन्मदिन पार्टी में शुक्रवार की रात हुई हर्ष फारिक, दो घायल। आईपीएल में सट्टेबाजी कर रहे दो सट्टेबाजों को एसटीएफ गोरखपुर की इकाई ने किया गिरफ्तार। बरामद हुए 86,000 रुपए और अन्य सामग्री। जिलाधिकारी ने किसानों की फसलों की बुआई के लिए फास्फेटिक व अन्य उर्वरकों का मूल्य किया निर्धारित। कहा डीएपी प्रति बैग 50 किलोग्राम का बिक्री दर 1150 रुपए तथा यूरिया प्रति बैग 45 किलोग्राम का बिक्री दर 266 रुपए 50 पैसे किया गया है निर्धारित। अधिक मूल्य या ओवर रेटिंग की शिकायत हो तो तत्काल सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता को दे सूचना, होगी कार्रवाई। महापौर द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर किया गया माल्यार्पण। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता और अखंडता की दिलाई गई शपथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दिवस के अवसर पर एसएसपी जोगेंद्र कुमार द्वारा उनके चित्र पर किया गया माल्यार्पण। अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को दिलाई शपथ। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सीडीओ और एसडीएम सदर ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। उपस्थित कर्मचारियों को दिलाया देश की एकता और अखंडता की शपथ। फोरलेन निर्माण के दौरान सीवर पाइप लाइन के लिए जल निगम ने राप्ती कॉम्प्लेक्स के सामने गिराया पाइप का जखीरा। दुकानदारों की दुकानदारी और यातायात व्यवस्था हो रही प्रभावित। दुकानदारों में आक्रोश, पाइप हटाने की मांग। यूपी पुलिस की भर्ती के लिए दौड़ रही तीन लड़कियों को ट्रक ने रौंदा। दो की मौके पर हुई मौत, एक गंभीर रूप से हुई घायल, चल रहा उपचार, हालत नाजुक। पुलिस शव और ट्रक को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुटी। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी के नेतृत्व में आयोजित हुआ कार्यक्रम। प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने पर हुई चर्चा। महानगर में मनाया गया इंदिरा गांधी का शहीदी दिवस। कांग्रेस जनों ने इंदिरा गांधी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। उनके पद चिन्हों पर चलने के संकल्प को दोहराया, लिया संकल्प। यूनियन बैंक वाराणसी क्षेत्र के महाप्रबंधक सीएम मिनोचा ने किया यूनियन बैंक की शाखा का निरीक्षण। कहा लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुँचा रहा है बैंक, जिससे लोग बन सके आत्मनिर्भर। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक। परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए 4 नवंबर तक डीपीआर तैयार करने के दिए निर्देश। जिला क्षय रोग केंद्र में मीडिया संवेदीकरण बैठक किया गया आयोजित। जिला क्षय रोग अधिकारी डीटीओ ने कहा क्षय रोग उन्मूलन में स्वास्थ्य विभाग की होगी अहम भूमिका। कचहरी कलम में लगाए जाने वाले अस्थायी पटाखा की दुकानों का सिटी मजिस्ट्रेट ने लॉटरी के माध्यम से किया आवंटन। आए 57 आवेदनों में से 32 दुकान हुए आवंटित। कहा पटाखा दुकानदारों को कोविड के नियमों का करना होगा पालन। गोरखपुर में शनिवार को मिले 31 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 18,964। एक्टिव मरीज हुए 738। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। कहा सरदार पटेल के मार्ग पर चलकर उनके सपनों को करेंगे साकार। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किया श्रद्धा सुमन। महानगर अध्यक्ष ने कहा सरदार पटेल भारत की एकता और अखंडता के थे जनक। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा सरदार पटेल के रास्ते पर चलकर देश को बढ़ाएंगे आगे। और वाल्मीकि जयंती पर दीपों से जगमग हुआ सूर्यकुंड धाम परिसर। महर्षि वाल्मीकि को किया गया नमन।